साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, एक नए टॉपिक पे बात करूंगा, शायद आप लोगों को पता भी नहीं है इन चीजों का। ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि यार दुबई में मात्र 10 से 15% वहां के लोकल सिटीजन हैं, फिर भी दुबई इतना डेवलप क्यों हुआ, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, उनके बारे में मैं बात करूंगा। बाकी दूसरी 200 देशों के लोग वहां पे रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसे सबसे ज्यादा है। उसके बाद पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, ये लोग वहां पे हैं। फिर चौथे नंबर पे फिलीपींस आते हैं, थोड़े बहुत वो भी हैं। ठीक है, 10 से 15% शेख हैं जो राजा की तरह वहां पे जीवन जीते हैं, जो दुबई में उनको पता है, उनका शौक होता है जानवर पालना, बाज पालना, शेर पालना, ऐसे शौक होते हैं, घूमना। अच्छे आपने देखे भी होंगे, जो वहां के लोग हैं उनको सबको पता होता है। और 10 से 15% होने के बाद भी वो लोग आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं हर चीज में, चाहे वो कोई भी चीज बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि मजदूर वहां पे दूसरे देशों के होते हैं, डायरेक्शन दिमाग उनका होता है और काम करने वाले आप लोग होते हो, आपको पता है इस बात का। चाहे वो पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, फिलीपींस, कहीं का भी हो, सबसे ज्यादा इंडियन वगैरह यहीं का आप लोगों का काम होता है। दूसरी बात बता दूं मैं, दुबई सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला स्टेट बन रहा है, क्योंकि दुबई के पास वर्ल्ड की 1/4 जेसीपी, जेसीपी समझ रहे हो, जो बिल्डिंग बनाने में काम आती है, जेसीपी मशीन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में उन्हीं के पास है। इसका मतलब दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी जेसीपी हैं उनका 1/4 यानी चौथा हिस्सा ओनली फॉर दुबई में। इसका मतलब मजदूर भी दुबई में सबसे ज्यादा है, बता दूं मैं, जेसीबी भी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन का काम दुबई में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम आता है, इसके अलावा कोई काम नहीं आता। ठीक है साथियों, और कंस्ट्रक्शन के काम में दुबई में सबसे ज्यादा काम करने वाले कौन है, वहां के शेखों को भी पता है, वहां के शेखों को कि अपन सेठ हैं लेकिन हमारे पास काम करने वाले मजदूर तो चाहिए ना। वो कौन होगा, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, ये लोग, उनको पता है कि वो 50 डिग्री में भी वो काम करने वाले बंदे हैं। दुबई में गर्मी होती है फिर भी अपने लोग 50 की डिग्री में काम करते हैं, क्योंकि उनको ये बात का पता है कि अपने देशों की इकोनॉमी बहुत डाउन है, सिक्का बहुत हल्का है। ठीक है, इस वजह से उनकी मजबूरी होती है कि वो दूसरे देश में कमाने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए वहां के शेख अपने लोगों को हायर करते हैं, आप अपन राजा की तरह वो रहते हैं, अपने लोगों से वहां पे मजदूरी करवाते हैं। दुनिया के जितने भी वर्ल्ड टावर वगैरह, बुर्ज खलीफा, रेस्टोरेंट, फलाना ढिमका, होटल जितने भी बने हैं, वो अपने लोगों के द्वारा, अपनी लेबर के द्वारा बनाए गए, आप लोगों को पता होगा। और क्योंकि अपने लोगों, भैया काम करना है, मजबूरी है तो जाना तो पड़ेगा, तो टोटल इन वर्कर बाहर के होते हैं, दिमाग उनका होता है, इसलिए दुबई वर्ल्ड पे आज राज कर रहा है। एक तरह से ये मान लीजिए कि दुबई आज राज कर रहा है, और दुबई का बहुत टॉप 10 कंट्रियों में नाम आने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ 2020 के बाद, आप देख लीजिए। तो ठीक है साथियों, इतनी जानकारी थी, बस मेन टॉपिक यही था, दुबई में कंस्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा काम है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा जेसीपी दुबई के पास है। दुबई में लेबर कंट्री अपनी कंट्रियों से जाती है, वो वहां पे काम करती है, 50 डिग्री में भी अपना लोग काम करने के लिए सक्षम होते हैं। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।